वाह इतना सही है, आज तो मैं यही बनाऊंगी। अरे यार एक तो इसके चिल्ली पनीर पालक पनीर दिमाग खराब कर रखा है, कभी ये बनाऊंगी कभी वो बनाऊंगी। हम साला इम्यूनिटी बढ़ाने पे लगे हैं, ये बीमार करने पे लगी है। हाँ कहाँ चला महाराज? कुछ नहीं पापा, वो थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, बस अभी आ जाऊंगा। कहाँ आ रहा जा रहा कर रहा है तू? पता नहीं है बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे पापा यहीं पड़ोस में जा रहा हूँ सचिन के घर पे, कहीं इधर उधर थोड़ी जा रहा हूँ मैं। हाँ तो तुझे पता नहीं है क्या लॉकडाउन के रूल? बाहर जाते ही लट पड़ेंगे पुलिस के। अरे यार मम्मी पापा हमारी कॉलोनी में कोई पुलिस नहीं है, और वैसे भी बस पड़ोस में जा रहा हूँ मैं। तुझे पुलिस तो बाद में पीटेगी, पहले मैं बताता हूँ। चुपचाप अंदर बैठ जा नहीं तो मोर बना दूंगा। हद है, सारा दिन इस घर में पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ, मेरे से नहीं रह जाता अब इस जेल में। क्या बकवासबाजी कर रहा है तू अपने पापा से? शर्म नहीं आती क्या तुझे? और एक इसको देखो, सारा दिन इसमें नौटंकी में लगी रहती है, सिर में दर्द कर रखा है इस लड़की ने। अरे यार मेरी बात सुनो, कहीं रोड पे थोड़ी घूम रहा हूँ जो मेरे को डंडे पड़ेंगे, घर के अंदर रहूंगा पबजी खेलेंगे दोनों बस साथ में बैठ के। हाँ तो अपनी बहन के साथ खेल ले। हाँ मैं क्यों खेल लूँ, इसको बोल दो मेरी रील बनाने में हेल्प करा देगा। लो देख लिया अब बोलो। और दिन में 4 घंटे सोती है बस, 18 घंटे रील्स बनाती है, फिर भी इसके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे। ओ हेलो, 4 + 18 = 22 होते हैं, 24 घंटे नहीं होते। देख लिया मम्मी, इसलिए मैथ में हर साल फेल होता है ये। पढ़ाया। चुप, एकदम चुप सारे, किसी की आवाज नहीं निकलेगी वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देखो ची 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 करके लड़ते रहते हैं, घर नहीं साला चिड़िया घर बना रखा है, और तू पबजी सब्जी अंदर बैठ के खेल ले, चल अंदर बोले। जिंदगी खराब हो गई है मेरी, ये घर जेल है जेल। काश मेरा कोई भाई होता। वे किसका फोन आ गया? अरे मेरे भाई का फोन है। अरे आज इसको याद कैसे आ गई मेरी? साले को कोई काम होगा, बिना गर्ज के कहाँ फोन करते हैं ये, कुछ मांगने के लिए फोन किया होगा। चुप रहो, बात करने दो मुझे। लो मैं बात करता हूँ। हाँ साले साहब कैसे हो? जी बढ़िया जीजा जी, आप बताओ। हाँ तो आज क्या मांगने के लिए फोन किया है? अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो, हर बार मांगने के लिए फोन थोड़ी करूंगा। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ यार, जीजा हूँ तेरा, मजाक भी नहीं कर सकता क्या आप मेरे पप्पू? अरे जीजा जी कितनी बार कहा है मैंने आपको, मुझे पप्पू मत बोला करो, मेरा असली नाम राहुल है। अच्छा वो सब छोड़ो, आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए थी, बस उसी के लिए फोन किया था मैंने आपको। देखो मैं कह रहा था ना, इस बार पता नहीं क्या मांगेगा। अरे कोई बात नहीं, परेशान होगा, देख लो कुछ हेल्प हो जाए तो। देखो भाई पैसे वैसे तो है नहीं, लॉकडाउन में बुरा हाल हो रखा है, हम ही भीख भीख मांग के किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं बस। चुप करो, मुझे दो फोन, मुझे बात करने दो। नहीं मैं करूंगा। मेरे को करने दो। मैं करूंगा। मेरा भाई है ना, मुझे करने दो। मेरा साला है, मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसों के लिए फोन नहीं करा है मैंने। अच्छा तो फिर क्या मदद चाहिए पप्पू? अरे वो मैं लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंस गया हूँ। चलो बढ़िया है, फिर तो तेरे पड़ोसी बहुत खुश होंगे। अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, कैसे फंस गया तू मुंबई में, सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ सही सलामत है, बस ये लॉकडाउन की वजह से सारी फ्लाइट वगैरह बंद हो गई, तो आने जाने का कोई साधन भी नहीं है। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी आ पाऊंगा अब तो। हाँ चलो ये भी अच्छा है, अब कुछ दिन मुंबई में ही एंजॉय कर तू लॉकडाउन को। पर जीजा जी दिक्कत तो कुछ और है। अब क्या दिक्कत है? जीजा जी वो गुलगुला है ना, वो घर पे रह गया और वो भी अकेला। अरे पर वो कैसे? मैंने सोचा था सुबह जाऊंगा और शाम को वापिस आ जाऊंगा, लेकिन अब मुझे गुलगुले की बहुत टेंशन हो रही है। अरे जीजा जी अब कोई सहारा नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, कितना छोटा बच्चा है वो जीजा जी, और आपको तो पता ही है उसकी माँ दूध वाले के साथ भाग गई है। मेरे पास ना एक आइडिया है। हाँ जी बताओ। मेरे दोस्त का ना अनाथ आश्रम है, उसको वहां भेज दो, सस्ते में डील करा दूंगा। फोन दो इधर, मैं बात करूंगी। हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरे को तो पता ना तेरे जीजा जी की आदत है मजाक करने की, और तू टेंशन ना ले, तू उसको मेरे घर भेज दे, अपने गुलगुले का पूरा ख्याल रखूंगी मैं। अच्छा अब नहीं है ना लॉकडाउन, अब कैसे आएगा वो? हाँ भाई अब आएगा कैसे वो? अरे आप लोग टेंशन मत लो, मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है। हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं,
सुबह आराम से भेज देना उसको। देखना कौन आया बाहर। देख जाके घर की घंटी बजिए जा। तू नहीं जा सकता। अरे जा बेटा स्वाति, तू ही खोल दे। अरे बुआ जी नमस्ते। फूफा जी नमस्ते। अरे रचित भैया कैसे हो? ओ स्वाति दीदी रील्स कैसी चल रही है? बढ़िया। घर में सब बढ़िया? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। अब तू आ गया है, अब दोनों भाई साथ में पबजी खेलेंगे और बढ़िया हो जाऊंगा। हाँ भैया बिल्कुल खेलेंगे। अरे भाई गुलगुला तो आ गया। मुझे पता था आप लोग मना करोगे ही नहीं, इसीलिए मैंने उसको पहले ही भेज दिया था। अतिथि देवो भव, इसका मतलब आपसे अच्छा और कौन जानता है। अच्छा दीदी मैं फोन रखता हूँ अभी ना, रोमी पे हूँ ना तो बहुत बिल आ जाएगा मेरे फोन का। बाय बाय। ठीक है भाई ठीक है, ओके बाय बाय। साला बहुत तेज है मेरा, ऐसा साला भगवान किसी को ना दे, पर मेरी कुंडली में तो सांप बन के बैठा है, साला पीछे ही नहीं छोड़ रहा। अरे फूफा जी कैसे बैठे हो ये मरे मरे से, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा अभी तक तो ठीक है, आगे के भगवान जाने। अरे आ गया मेरा लाडला बेटा। अरे बेटा इस घर को अपना ही घर समझ, ठीक है? अच्छा मेरा ही तो है। छी कितनी गंदी बदबू है। रचित भैया आपने किया ना, स्वाति दीदी आपने किया ना। चुपचाप खाना खा लो समझे। आहा बुआ जी बहुत टेस्टी खाना बनाया था आपने, पेट भर गया पूरा, मजा आ गया। बढ़िया है अब पेट भर गया ना, चल के सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अरे गुलगुले तू कहाँ जा रहा है? तू तो हमारे साथ सो जाइए बेटा। ठीक है बुआ जी। अब यही बाकी था क्या? ओए गुलगुले या अबे तू इन लोगों के साथ क्या सोएगा? तू ना मेरे साथ चल मेरे रूम में, दोनों भाई पूरी रात पबजी खेलेंगे, इनको सोने दे। ठीक है भाई ठीक है, मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। बुआ जी मैं ना रचित भैया के साथ में रचित भैया के रूम में सो जाऊंगा। चल ठीक है बेटा, रचित परेशान मत करना बिल्कुल भी। अरे मम्मी मैं क्यों परेशान करूंगा, मेरे को इसी दिन का तो इंतजार था कि मेरे साथ कोई हो। चल भाई पबजी खेलेंगे। अरे यार 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 स्कोप दे स्कोप स्कोप। अरे वह बंदा यार स्कोप दे स्कोप। रेड डॉट चाहिए। अबे 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 जल्दी कर जल्दी स्कोप देना यार। पेट में दर्द हो रहा है यार बहुत तेज, थोड़ा हल्का होके आता हूँ। अबे गुलगुले तूने ये मेरे पैर की रस्सी क्यों बांध रखी है अपने पैर से? वो भैया मेरे को ना नींद में चलने की आदत है, इसलिए मैंने आपके पैर पे रस्सी बांध दी ताकि मैं उठूं तो आप मेरे को रोक लो और फिर से सुला दो। अच्छा ऐसा है क्या, चल फिर एक मिनट रुक मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ, उसके बाद आके वापस बांध दूंगा। घड़ी तो है ही नहीं। भैया रस्सी। एक मिनट। गुड नाइट।
गुड नाइट। लो बच्चों नाश्ता करो। बुआ जी ये तो चाय है और मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता। आपको पता है मेरी मम्मी कहती है सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। बेटा बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा, लेकिन हमारे यहाँ कोई माने तब ना। और ये तले हुए समोसे वो भी सुबह सुबह। आपको पता है मेरी टीचर कहती है सुबह सुबह समोसे नहीं खाने चाहिए, पेट खराब हो जाता है। और आपको तो पता ही है हेल्थ इज वेल्थ। और आपको पता है मेरी मम्मी सुबह और शाम मेरे को बॉर्नविटा वाला दूध देती है। अरे बेटा मैं भी देती थी, लेकिन ये हरामखोर पिए तब ना। और इनको हर वक्त चाय चाहिए, सुबह चाय, शाम को चाय, दोपहर को चाय, रात को चाय, बस चाय चाय चाय। और जैसे ये ऐसे इनके बाप। ऐसे क्या घूर रहे हो, ग्रीन टी पिया करो। चाय नीचे रख, नीचे रख कप को, दूध पी। तू भी दूध पी। ओ मेरे गुलगले, मेरे बेटा, ले बॉर्नविटा का दूध पी ले। बम 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 बम। बुआ जी मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आता हूँ। ठीक है। कितने ड्रामे कर रहा है, इसको पिएगा तू? तेरे जैसे बच्चे ना एक एक किलो दूध पी जाए। ड्रामे कर रहा है, तीनों टाइम दूध मिलेगा तेरे को। पी इसको, ये छपकली सी देख कितने ड्रामे कर रही है, पी ले इसको। आइडिया, एक आध समोसा खा लेता हूँ। सारे समोसे खत्म। बुआ जी मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ बेटा। वो जो समोसे थे ना। और बेटा कोई बात नहीं, समोसे तेरी फूफा जी और मैं खा लेंगे, तुम हेल्दी खाना खाओ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, समोसे तो है ही नहीं, सारे रचित भैया खा गए। हाँ? सारे खा लिए? हाँ बुआ जी, 6 के 6 समोसे खा लिए, वो भी अकेले, और सारी कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। तू रुक अभी, मैं अभी धमका के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, धमकाना मत उसको, वरना वो मेरे को मारेगा। मैंने ना उसको खाते हुए देख लिया था, उसने मुझसे कहा कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तो ये साफ साफ कह दूंगा कि तूने समोसे खाए हैं। मैंने तो खाए ही नहीं। और वो मेरे मम्मी पापा है, मेरी बात का विश्वास करेंगे, तेरी का नहीं। अच्छा तू रुक, मैं अभी बताती हूँ इसको। सारे समोसे खा गया ना तू? समोसे? कौन से समोसे? मैंने कुछ नहीं खाया। झूठ भी बोलने लग गया तू? तेरे को शर्म नहीं आती? गुलगले को देख, तेरे से कितना छोटा है और कितना समझदार है, उसने समोसों को हाथ तक नहीं लगाया। अरे मम्मी मैंने नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ मुझे तो पता था तू यही बोलेगा कि मैंने तो कुछ नहीं खाया। जैसा तेरा बाप झूठा वैसा तू झूठा। अरे यार हर बात के पीछे मुझे क्यों ले लेती हो? यार के ये हो क्या रहा है,
समोसे, झूठ, तो मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बुआ जी उठो, बुआ जी उठो, बुआ जी उठो। क्या हुआ? वो बुआ जी, वो पूरा बेड गीला है, मैं वहां पे सो नहीं सकता। तेरे को रात को बिस्तर में सुसु करने की बीमारी है क्या? मैं क्यों करूंगा बुआ जी, वो तो भैया। क्या इतना बड़ा होके उसने बिस्तर में सुसु कर दिया? हाँ बुआ जी, तभी तो मेरी आँख खुल गई। लेकिन आज तक तो किया नहीं। बुआ जी मैं ऐसे सो नहीं सकता ना, तो आप मेरे को ना एक ब्लैंकेट दे दो, मैं ना नीचे बिछा के सो जाऊंगा, पर ऐसे वहां नहीं सो सकता। भैया इतने बड़े होके बेड पे, छी छी, मैंने तो बचपन में भी नहीं किया। हाँ तू तो पैदा होते ही अगले दिन ही टॉयलेट में बैठ गया था। चुप रहो तुम। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे लेकिन जाके देखो तो सही, हुआ क्या है? चल तू मेरे साथ चल। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल कहाँ है? बुआ जी चप्पल तो नहीं है, ये डंडा है। ला तू डंडा ही दे। अरे मम्मी अब क्या हो गया? अब क्यों मार रहे हो बता तो दो। अरे कुत्ते, तेरे को शर्म नहीं आती? तू बेड पे सुसु कर रहा है, तेरे बच्चों की उम्र है बेड पे सुसु करने की, और तू कर रहा है। मैं बेड पे सुसु कर रहा हूँ? कब किया, किसने किया? किसने किया सुसु? अरे अपनी पैंट देख एक बार। ये मैंने किया, लेकिन कब? चुप कर, ये देख सारा गद्दा खराब कर दिया तूने, और चद्दर भी खराब कर दी। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या सिखाऊं मैं, क्या सिखाएगा अपने बच्चों को? तू खुद बेड पे सुसु कर रहा है। बुआ जी आप ना मेरे को एक दरी दे दो, मैं ना बाहर जाके सो जाऊंगा। बेटा तू क्यों सोएगा बाहर? ये सोएगा बाहर? तेरा बिस्तर लगा दिया मैंने बाहर बरामदे में, और वहां जाके सो जा। लेकिन मैं बाहर क्यों सोऊंगा? मेरा घर, मेरा रूम, मेरा बेड। छा आज गद्दा खराब कर दिया ना, कल फिर करेगा। तू रोज बाहर सोएगा, बाहर सो। ये ले, ठंड लगे तो ओढ़ के सो जियो, नहीं तो फिर मुद देगा। और तुम बेटा ऐसा करो, साइड होके सो जाना, ठीक है? मैं कल गद्दे को ठीक करवा दूंगी धूप में फैला के। ठीक है बुआ जी, आप देख लेना, बाकी मेरे को ना बदबू में नींद नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी सो जा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरे घर वाले इस लॉकडाउन में मेरे पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? भगवान क्या करूं मैं? हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर, कोई फरिश्ता भेज भगवान प्लीज। अरे भगवान फरिश्ता मांगा था, चुड़ैल नहीं। चुप कर, तेरे लिए फरिश्ता ही बन के आई हूँ, ऐसी बात बताने वाली हूँ ना तो उसके बाद तो खुद ही मान जाएगा। क्या बात है बता। ऐसे ही थोड़ी ना बताऊंगी। फिर पहले अपना आईफोन दे। आईफोन क्यों? तुझे इन सबसे बाहर निकलना है ना, पता लगाना है ना कि तू क्यों पिट रहा है, तो फोन दे चल। अच्छा ऐसी बात है, ये ले। आज से तेरा फोन मेरा और मेरा फोन तेरा। अब सुन मेरी बात, उस दिन जब मम्मी ने दूध दिया था ना, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब वो तू जाने या वो जाने, मुझे क्या पता।
अब से ये कमरा मेरा और मैं इस कमरे का जयकांशिक रे। अच्छा तू एक बात भूल गया, ये मेरा घर है और मैं इस घर का सिंगम हूँ। अच्छा ये बात है क्या बेटा, फिर मैं भी रोहित शेट्टी हूँ, अभी तेरे को मूवी से निकाल दूंगा, ज्यादा बकवास करी तो। सो जा चुपचाप, चल हुर। वाह सो जाओ भैया से सीधा सो जा। हे भगवान तेरे से भाई जैसा दोस्त मांगा था, जल्लाद नहीं, लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, बदला। आज की दिल दहला देने वाली खबर, लॉकडाउन में घर आए मेहमान ने करी लाखों की चोरी। ओ मम्मी ये देखो आजकल के मेहमान कैसे कैसे हैं। बुआ जी रचित भैया ना ये मेरे से कह रहे हैं। अरे तेरे को नहीं बोल रहे बेटा। और एक और खबर जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लॉकडाउन में उसी मेहमान ने किया कत्ल। हाय राम मम्मी देख लो ये आजकल के मेहमान कैसे हैवान हैं। अरे बेटा न्यूज वाले तो कुछ भी दिखाते हैं, मेहमान तो भगवान होता है। वैसे ये न्यूज वाले कह तो ठीक रहे हैं, वो टाइम तो गया जब मेहमान भगवान होते थे, आजकल तो मेहमान। अरे चुप करो जी कुछ भी। और बेटा गुलगुले तू बता, अच्छे से खाना खा रहा है ना, अच्छे से पेट भर रहा है ना तेरा? हाँ बुआ जी एकदम अच्छे से, पूरी मौज हो रही है। बुआ जी मैं देख कर आता हूँ। अरे पापा आप, अरे बेटा गुलगुले तू चल मेरे साथ चल, फटाफट अपना सामान वान बांध ले और घर चल मेरे साथ, जल्दी चल जल्दी कर। अरे भाई तू कैसे आ गया अचानक, आ बैठ। बस दीदी मैं कुछ अर्जेंट काम से आया था, अभी टाइम नहीं है बैठने का मेरे पास। एक मिनट, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क कहाँ है तेरा? और तू मुंबई में फंसा हुआ था, अचानक कैसे आ गया? जीजा जी बस बहुत अर्जेंट काम था, जैसे तैसे बॉर्डर क्रॉस करके चलान उलान कटवा के पहुंचा हूं यहां पे किसी तरह। अबे साला इतना कंजूस आदमी, चलान कटवा के, कुछ तो गड़बड़ है। भाई आराम से बैठ, चाय पानी लाती हूँ। नहीं दीदी अभी चाय पानी का कुछ टाइम नहीं है, और गुलगुले तू जल्दी अपना सामान बांध और जल्दी चल मेरे साथ। क्या हुआ पापा? अरे तेरे को बोला ना सामान बांध और चल मेरे साथ। अरे ये लो मामा जी इसका सामान। अरे पापा जी एक बार चेक तो कर लूं कि मेरा कोई सामान रह तो नहीं गया। अरे नहीं मामा जी चेक करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारा सामान चेक करके डाला, पूरा है बिल्कुल। ठीक है गुलगुले फटाफट चल सामान ले, चल मेरे साथ जल्दी। अरे भाई पर हुआ क्या, हमसे कोई गड़बड़ हुई क्या? रुक तो जा। बताओ ना पापा क्या हुआ, अभी तो मजा आ रहा था यहाँ पे रहने में। अरे मम्मी आप मामा जी को क्यों परेशान कर रही हो, इनको कोई जरूरी काम होगा तभी तो इतनी जल्दबाजी में आए हैं, वरना तो रुक के जाते है ना मामा जी। ले तू पकड़ अपना बैग यार, चल तू आ जा। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है मैं चलता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे चला गया। एक इसको देखो सारा दिन दिमाग खराब करके रखती है, सिर में दर्द कर रखा है इस लड़की ने, रील। और एक पता नहीं भाई को क्या हुआ, 10 मिनट भी नहीं बैठा। अरे तुम परेशान मत हो, शायद उसको अक्कल आ गई होगी कि अपनी औलाद को इतने दिन तक किसी घर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं कुछ और गड़बड़ है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, उस साले को अक्कल तो आ नहीं सकती। अरे चलो बाद में फोन में बात करके पूछेंगे आखिर हुआ क्या था, आ जाओ। गाइज तो मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, फ्लैशबैक देखो सब समझ में आएगा। अपनी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, बदला। चैन से सोना है तो जाग जाइए, और अगर नींद ज्यादा आ रही है तो सोते रहिए। तो आज की हमारी कहानी है एक बच्चे ने रचा अपनी ही किडनैपिंग का खेल, माँ बाप लंदन से इंडिया भाग कर आए बचाने। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जय हिंद जय भारत।
अरे यार स्वाति, तू तो सच में फरिश्ता निकली यार। तू बहन नहीं, हीरा है, हीरा। अरे हुआ क्या? अरे तू छोड़, ले तू मेरी आई वॉच भी रख ले। अरे नहीं, अगर ऐसे कॉल करूंगा तो मेरा नंबर पता लग जाएगा। एक काम करता हूँ, वेबसाइट से फ्रॉड कॉल करता हूँ। हेलो, हेलो। मेरा यार दिमाग चल गया। हेलो, अगर अपने बच्चे की सलामती चाहता है तो कल रात तक 10 लाख रुपए भेज दियो। अगर तूने कल रात तक 10 लाख रुपए नहीं भेजे तो तेरे लड़के की उंगली काट काट के गले का हार बनवा के भेजूंगा। अब कौन है तू? चुप कर बदतमीज इंसान, फोन रख। सुन ले, हार मुंबई में भेजूंगा। ओए, तेरे को कैसे पता कि मैं इस समय मुंबई में हूँ? अरे मुझे तो ये भी पता है कि तेरा लड़का आजकल अपनी बुआ के घर पे है। और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तैयार रहियो फिर माला पहनने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे भाई किडनैपर हूँ, सब पता है मुझे। और हाँ एक बात और, अगर पुलिस को फोन किया ना तो उंगली की जगह सीधा तेरे लड़के की मुंडी आएगी, क्योंकि वैसे भी तेरा लड़का बहुत परेशान करता है लोगों को। क्या मतलब? अबे मतलब छोड़ और पैसे का जुगाड़ कर, सिर्फ कल तक का टाइम है तेरे पास। यार मेरे बच्चे की जान तो खतरे में है। कौन था यार ये आदमी? इसको सब कुछ पता है, मेरा गुलगुला कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। मेरे गुलगुले की जान खतरे में है, मुझे तो अभी निकलना पड़ेगा इसी समय। मैं अभी जाता हूँ फटाफट। अब देखता हूँ कैसे जीतेगा ये जयकांत शिखरे। जीत तो सिंगम की होगी। क्यों दांत फट रहा है? अरे मम्मी नहीं, कुछ भी नहीं। सारे घर में बदबू हो रही है, अभी तेरे से सफाई कराऊंगी सारे घर की। अरे मम्मी आप टेंशन ना लो, अब यहाँ कभी बदबू नहीं होगी। मुझसे जो लेगा पंगा उसको मैं कर दूंगा नंगा। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए? कमेंट करके बताओ। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.